नमस्कार, मैं हूं रवि किशन, आपका स्वागत करता हूं क्राइम फाइल्स के इस नए एपिसोड में। स्वर्ग जैसे ससुराल का सपना आंखों में लिए जब एक लड़की अपना घर छोड़कर नए घर आती है तो वो चाहती है कि वहां उसे देवता के जैसे पति मिले, बाप जैसा प्यार करने वाला ससुर। अब सपना तो सपना ही होता है, हर सपना तो सच नहीं होता। शायद उनकी किस्मत में होते हैं ठरकी ससुर। आइए देखते हैं ऐसी ही बहुओं की कहानी। बाबूजी। हाँ बेटा, खुश रहो, खुश। ऑफिस के लिए निकलता हूँ बाबूजी। ठीक है बेटा। तो तेरा बड़ा भाई कहाँ है? उसे ऑफिस नहीं जाना क्या आज? बाबूजी, भैया के आज नाइट शिफ्ट है। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, आराम से जाना। हाँ चल। सुनिए, क्या हुआ? टिफिन तो लेते चाहिए अपना। लीजिए। अरे हाँ, लेट हो रहा था। अरे साक्षी, साक्षी, अरे कहाँ हो तुम? मैं ऑलरेडी लेट हूँ, तुम और लेट करवा रही हो मुझे। और कितने दिन चलेगी आपकी नाइट शिफ्ट? अच्छा सुनो, देखो माँ को गुजरे हुए 3 महीने हो चुके हैं, हमें बाबूजी का और ख्याल रखने की जरूरत है। और तुम तो जानती हो कि माँ बाबूजी को रोज रात सोने से पहले इलायची वाला दूध पिलाती थी, है ना? तो आज ना प्लीज उन्हें वो यहाँ से दे देना, ठीक है? और फटाफट बैग दो, मैं लेट हूँ ऑफिस के लिए। चलो बाय बाय, ध्यान रखो। बहुत तुम बेटा। बाबूजी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? नहीं, वो तुम इतनी रात गए मेरे रूम में कैसे आई? वो माधव कह रहे थे कि आपको इलायची वाला दूध पीने की आदत है, वही लेके आई हूँ। हाँ बेटा, मुझे इलायची वाला दूध बहुत पसंद है। बैठो बेटा। बेटा माधवी थी तो हम लोग बैठ के बातें किया करते थे, दिन भर क्या किया क्या नहीं किया। अब तो माधवी भी नहीं है। बाबूजी आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, आपको जब भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े मुझे बुला लीजिएगा। हाँ बेटा, बेटा आजकल मेरे घुटने में बड़ा दर्द रहता है। अच्छा कल मैं मार्केट जाने वाली हूँ, आपके लिए मालिश वाला तेल लेते आऊंगी, ठीक है? हाँ बेटा।
अब चलती हूँ। ठीक है। आज नहीं अन्विता, मैंने अपने राशिफल में पढ़ा था कि शुक्रवार तक मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मुझे फ्रेश होना है अभी। बाबूजी, आपकी उम्र के लोग जितने चैनल देखते हैं वो सारे सेट कर दिए। मोहित, ये लीजिए मोहित भैया चाय। थैंक यू भाभी। भाभी एक बात बताऊं आपको, ये केबल का काम तो बस बहाना है, मुझे तो आपके हाथों की स्पेशल चाय पीनी होती है। थैंक यू। वैसे भाभी, मैंने ना नया काम शुरू किया है सीसीटीवी का। आपका इतना बड़ा घर है तो आप चाहे तो सीसीटीवी लगा सकती हैं, सेफ्टी के लिए। क्यों बाबूजी, सही कह रहा हूँ ना? हाँ बेटा। हाँ नहीं नहीं मोहित भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी आजकल इतना कैश और महंगा सामान कौन घर में रखता है। ये बात भी सही है, पर आपको जब भी लगाना हो ना बेझिझक याद करिएगा, आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट। ठीक है। अरे मोहित, वो टीवी में वो वाला चैनल लग सकता है क्या? वो वाला? अरे वही वाला। कौन सा वाला? पागल हो क्या? वो वाला। अभी मुझे अर्जेंट काम से जाना है, कल आके लगाता हूँ। बेटा आज ही। अच्छा ठीक है, कल आ जाना है, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है। ठीक बेटा, आ जाना। जी आ जाऊंगा। चलो तब तक यहीं से काम चलाता हूं। बाबूजी, आपके लिए मालिश वाला तेल ले आई हूं, रख देती हूँ, आप लगा लेना। अरे सुनो बेटा, बहुत दर्द हो रहा है, उम्र हो गई है ना, तो झुक रहा हूं तो कमर में भी बहुत दर्द हो रहा है, तो अपने से लगा नहीं पाऊंगा झुक के। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम ही लगा दो। ठीक है। बहुत अच्छा लगाती हो। मजा आ गया। अब हो गया ना बाबूजी? हाँ बेटा हो गया, मजा आ गया। ऐसे ही कुछ दिन कर दोगी ना
तो मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। कर दोगी ना? दूध पी लीजिएगा, मैं चलती हूँ। ठीक। अरे सुनो, ये मेरा कपड़ा रखा हुआ है अलमारी में, जरा सहज के रख दो। ठीक है। ये क्या है बाबूजी? वो बेटा, माधवी के जाने के बाद इसी का तो सहारा है। तुम्हें जरूरत हो तो तुम भी ले जाना। हाँ? नाराज हो गई? सोए नहीं अभी तक? जिसका पति हर रोज अपनी पत्नी को छोड़कर रात में ड्यूटी निकल जाता है, उस पत्नी को नींद कैसे आएगी? मतलब अब तुम्हें मेरी जॉब से भी प्रॉब्लम है? क्यों ना हो? ये हर रोज आपकी नाइट ड्यूटी आ जाती है। आपको याद भी है कि पिछले बार हमने कब साथ रात गुजारे हैं? अब क्या आप चाहते हो कि जो लोग रात में करते हैं वो हम दिन में करें? हाँ, कुछ हासिल होगा उससे? कोई रिजल्ट आएगा? कहना क्या चाहते हैं आप? जो मैं कहना चाहता हूँ ना, वो तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। कितना टाइम हो गया शादी को? एक बच्चा तक तो तुम मुझे दे नहीं पाई हो। जवाब है कोई? और ये नाइट ड्यूटी जो है ना, वो मैं तुम्हारी वजह से करता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें देखना मुझे चिढ़ आती है। अरे नहीं होता मेरे से ये प्यार का नकली दिखावा। नहीं कर सकता मैं। हटो। अरे बेटा हुआ? बाबूजी, आपके वाले चैनल के लिए मुझे कनेक्शन चेंज करना पड़ेगा। बेटा जो भी करना है कर, बस कर दे। ठीक है बाबूजी, मैं छत पे जाके कनेक्शन चेंज करके आ। हाँ कर दे बेटा। अच्छा वैसे बाबूजी, मैं कह रहा था कि रास्ता यहाँ से है ना? हाँ बेटा, आगे से जाके मुड़ जाना है, बस जा जल्दी कर दे। हाँ अनीता क्या कर रही हो? शुक्रवार खत्म नहीं हुआ अभी तक, और वैसे भी मैंने आज कुछ स्टडी किया है। हमें कुछ दिन दूर रहने की जरूरत है, हमें संयम बरतने की जरूरत है अभी। ये क्या नाटक है रोज रोज का अंकित? पर इसी चक्कर ने ना हमारी रोमांटिक लाइफ को बर्बाद कर दिया है। नाटक नहीं है, विज्ञान है ये। भाड़ में गया तुम्हारा ऐसा विज्ञान, मैं नहीं मानती इस विज्ञान को। अनीता चुप हो जाओ, बहुत बोल रही हो तुम। लेकिन तुम भी तो कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। कर ही कहा रहे हो कुछ? और वैसे भी मैं क्यों ना बोलूं, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। चुप कर जाओ, इन सब बातों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सब कुछ खराब भी तो यही बातें कर रही है ना, मुझे तो लगता है तुम पागल हो गए हो। आ,
बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। मजा आ गया साक्षी। बहुत बढ़िया मालिश करती हो तुम। साक्षी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। बाबूजी, अरे साक्षी, अरे सुनो तो। कभी कभी तो मुझे तुम्हारे ऊपर शक होता है कि तुम जानबूझ के तो ये सब नहीं कर रहे हो ना, कहीं तुम्हारी पोल ना खुल जाए। अनीता! क्या अनीता? हाँ, बेवकूफ हो तुम। और वैसे भी तुम्हारे कहाँ कुछ समझ में आने वाला है। बेवकूफ हो तुम, बेवकूफ। बाबूजी, 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 बाबूजी। अंकित, बाबूजी दिखे कहीं पर? नहीं दिखे। कहाँ गए बाबूजी? मैंने बाबूजी को घर में हर जगह देख लिया, लेकिन बाबूजी कहीं पर भी नहीं है। बाबूजी का मोबाइल भी बेड पर ही पड़ा हुआ है। और बाबूजी तो अब तक मॉर्निंग वॉक से भी आ जाते हैं, और अगर वॉक पे जाते भी हैं तो मोबाइल लेकर ही जाते हैं। अंकित, एक काम करते हैं, हम गार्डन में और आसपास जितनी भी जगह है ना, बाबूजी को ढूंढने चलते हैं। हाँ भैया, मैं भी आस पड़ोस में देख लेती हूँ। तुम यही रोको, और अगर बाबूजी आ जाए तो हमें कॉल कर देना। ठीक है, चले। चल, चल, चल। मैं बस आपको कुछ दिखाने आया हूँ, ये देखिए। कभी कभी तो मुझे तुम्हारे ऊपर शक होता है कि तुम जानबूझ के तो ये सब नहीं कर रहे हो ना, कहीं तुम्हारे पोल ना खुल जाए। भाभी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है। अगर आप चाहती हैं तो मैं इस वीडियो को भी डिलीट कर देता हूँ। लीजिए, मैं आपके सामने वीडियो डिलीट कर दे रहा हूँ। भाभी, मैं ना आपके सारे दुखों को खत्म करना चाहता हूँ। चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। भाभी, अरे भाभी, मोहित भैया, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो भैया, सुनने में कि बाबूजी नहीं मिल रहे हैं, तो मैं आपकी हेल्प कराने के लिए आ गया। मिले बाबूजी? सुनिए बाबूजी, 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 क्या हो? आप ठीक तो है ना? आप लोग अपने घर के बुजुर्ग का ख्याल रखिए प्लीज। बाहर घूमने गए थे लेकिन वहां जाकर इनकी तबीयत खराब हो गई और फोन भी घर पर छूट गया। वो तो हम थे वहां, इसलिए इनकी मदद कर दी और यहां ले आए आपके पास। वैसे अब ये ठीक है, लेकिन आगे से इनका ख्याल रखिएगा। जी सर, थैंक यू। ठीक है, चलते हैं बाबूजी। भाभी, मैं ना आपके सारे दुखों को खत्म करना चाहता हूँ। हेलो। हेलो भाभी, भाभी जरा एक बार अपने रूम की खिड़की तो खोलिए, एक बार बस बात सुन लीजिए मेरी। भाभी बस एक चांस, भाभी एक बार मेरी बात सुन लीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, प्रॉमिस।
थैंक यू सो मच भाभी, मेरा पहला इंटेंशन बहुत गलत था। मुझे आपके रूम में कैमरा नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन जब मुझे अंकित जी और आपकी कंडीशन के बारे में पता चला मुझे बहुत बुरा लगा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ भाभी। मुझे बस एक मौका दे दीजिए, मैं आपको सारी खुशियाँ दूंगा जो अंकित जी नहीं दे पाए। बस एक मौका भाभी। भाभी नहीं, अन्विता कहूँ। बाबूजी, तबीयत कैसी है आपकी? हाँ बेटा, अभी थोड़ी ठीक लग रही है, लेकिन कमजोरी बहुत आ गई है। कमजोरी मतलब अब ठीक तो है? हाँ बेटा, वो कल रात से मैंने अपना वो इलायची वाला दूध नहीं पिया है ना, तो इस वजह से कमजोरी लग रही है। अगर दूध मिल जाएगा तो थोड़ा सही हो जाएगा। मैंने साक्षी को बोला था आपको इलायची वाला दूध देने के लिए, उसने नहीं दिया आपको? अरे बेटा, वो काम में बिजी होगी तो भूल गई होगी। हाँ बाबूजी, ऐसे कैसे भूल गई? साक्षी, साक्षी, क्या हुआ? आप आवाज दे रहे थे, सब ठीक तो है? मैंने तुम्हें एक काम कहा था, तुमने वो भी नहीं किया। भूल गई? चलो मैं याद दिलवा देता हूँ। मैंने तुम्हें कहा था बाबूजी को इलायची वाला दूध देना है, तो तुमने क्यों नहीं दिया? वो घर के काम करने में भूल गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। अरे बेटा, वो देखा, वो भूल गई, कोई बात नहीं। एक काम ठीक से नहीं होता इससे, अब आराम कीजिए, मैं जरा काम करके आता हूँ। हाँ बेटा, बेटा दूध भेज देना। जी। बेटा बैठो। इतना काम करती हो तुम, है ना? दिन भर तुम थक जाती होगी ना? थोड़ा सा यहाँ पे मेरे पास। बाबूजी, अच्छा ले गए इस वक्त। बाबूजी कहाँ चले गए ये?
क्या कर रहे हैं ये? क्यों कर रहे हैं हाथ छोड़ी? मुझे जाने दीजिए। बहू, सुनो ना मेरी बात, सिर्फ एक बार हाँ, मेरा कहना मान लो, दूध पिलाने आई हो ना मुझे, मेरी बात सुनो, मेरी बार एक बात सुन लो बस, बहू, कहाँ जाएगी? रहेगी तो घर में ही ना। अंकित, वो मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। बोलो, क्या बोलना चाहती हो? बेटा बैठो। दिन भर तुम थक जाती होगी ना, थोड़ा सा यहाँ पे मेरे पास। ये जान दीजिए मुझे। सुनो ना मेरी बात, सिर्फ एक बार हाँ, दीदी। हाँ दीदी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। बोलो ना। आपको तो पता ही है कि अंकित अपने भाऊजी के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। दीदी, भाऊजी मुझे बहुत गलत तरीके से छूते हैं और देखते हैं। आई नो आपको मेरी इस बात पे विश्वास नहीं होगा। अनविता, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम अकेली नहीं हो। बाबूजी ने मेरे साथ भी गंदी हरकत की है। दीदी, हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रूफ चाहिए होगा, अगर हमें अपने पतियों को उनके बाबूजी की सच्चाई दिखानी है तो। हमें ये साथ में करना होगा, पर करें क्या? आई थिंक एक ही आदमी है जो इसमें हमारी मदद कर सकता है। दीदी, मैंने कैमरा सेट करवा दिया है, बस अब आपको पाऊजी के कमरे में जाना है और जैसे ही वो आपके साथ गलत हरकत करेंगे सब कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएगा।
और उसके बाद हमने वो फुटेज अपने अपने पतियों को दिखा देंगे। लेकिन मैं ही क्यों? तुम्हें तो पता है माधव फिर भी मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन अंकित ऐसे नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारा जाना सही रहेगा। अंकित कुछ ना कुछ एक्शन ले लेंगे। अरे वाह, आज तुम आई दूध लेके। चलो अच्छा है, थोड़ा मुझे भी चेंज मिलेगा। बैठ। तुम्हारे साथ बातें करे बहुत दिन हो गया ना। कितना अच्छा परफ्यूम लगाती हो तुम। अरे सो नाराज हो गई मेरी बहू। ये देखिए, ये बहुत गलत किया है बाबूजी ने। अगर ऐसे ही बिना सबूत के हम आपसे बात करते तो आप लोग कभी भरोसा नहीं करते। इसलिए हम लोग सबूत जुटा के ही आपसे बात किए। ये क्राइम है और इसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी, फिर चाहे वो मेरे बाबूजी ही क्यों ना हो। शुक्र मनाइए कि आपको पुलिस के हवाले नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस घर से निकाल रहे हैं। बाकी जैसी हरकत आपने की है, आपकी जगह तो जेल के अंदर ही बनती है। बाबूजी, आपको तो बाबूजी कहने में भी शर्म आ रही है मुझे। प्लीज यहां से चले जाइए आप, क्योंकि अगर थोड़ी देर भी आपका चेहरा मेरे सामने रहा ना, मैं गुस्से पर काबू नहीं रख पाऊंगा। मैं
कुछ भी नहीं पता क्या क्या है। इस लड़की के लिए अपने बाबूजी को घर से धक्के देकर बाहर निकाला था ना तुम लोगों ने, अरे इसके चरित्र को तो मैं बहुत पहले से जानता हूं, अपने पति को मेरे बेटे को धोखा दे रही है। नहीं। तुम लोगों को इसके ऊपर विश्वास है लेकिन अपने बाबूजी के ऊपर विश्वास नहीं है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे ऊपर। अंकित छोड़ उसे, अंकित मेरे को छोड़। जो भी हो ये परिवार के अंदर की बात है, बाहर नहीं जानी चाहिए। इसकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा हश्र अन्विता की तरह ना हो तो आज शाम को 5 बजे मेरे कमरे में आ जाना, समझ गई? हम्म,
क्राइम का रास्ता असल में सबसे आसान रास्ता होता है, और वो कहते हैं ना, आसान रास्ता अक्सर गलत रास्ता ही होता है। साक्षी ने भी वही किया, गलत रास्ता चुना, और एक पल में उसने न सिर्फ अपनी लाइफ बल्कि अपना पूरा परिवार तबाह कर दिया। अगर समय रहते उसने दिमाग से काम लेकर अपने बाबूजी को सबक सिखा दिया होता तो शायद आज ना उनका यह हर्ष होता और ना ही साक्षी का। रहे खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल। जय हिंद, भारत माता की जय। Share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Ishaara.